है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं प्याज का पराठा, जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कटोरी आटा, 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूँगी, 1 चम्मच आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मंगरेला। जीरा डालने से टेस्ट इसका बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। 1 चम्मच अजवाइन, 2 टेबल स्पून ऑयल, रिफाइंड ऑयल, आप 2 चम्मच घी भी डाल सकते हो, पिंच ऑफ हल्दी, इन सब का एक। इसमें मैं डालूँगी 1 मीडियम साइज़ की चॉप्ड अनियन, थोड़ी सी ग्रीन चिली, लहसुन की कलियाँ 8 से 10, थोड़ा सा धनिया पत्ता। इन सबको मैं पानी की सहायता से एक डो लगा लूँगी। डो ना टाइट हो ना मुलायम हो, बीच का होना चाहिए, जिससे हम रोटियाँ सेकते हैं वैसे डो होना चाहिए। रोटी से थोड़ा सख्त होना चाहिए, क्योंकि ये प्याज के पराठे हैं तो रोटी से थोड़ा मोटा ही बनता है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनता है। तो डो हमारा तैयार है, इसे मैं थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं एक तवा ले लूँ, तवा ले लेंगे एक। डो हमारा रेडी हो चुका है। इस चलिए इसे अब बनाते हैं। एक पेड़ा ले लूँगी छोटा सा, सूखे आटे की सहायता से मैं इसे धीरे धीरे बेल लूँगी। कैसा भी आप बेल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गोल ही बेलें। हम रोटियां रोज़ बनाते हैं इसलिए हमारी रोटी गोल बन जाती है। जो लोग रोज़ नहीं बनाते, जिनको आदत नहीं होती, उनकी रोटियां गोल नहीं बन पाती है। प्याज के पराठे वैसे भी अच्छे से गोल नहीं हो पाते हैं, वो आधे कान्हे टेढ़े बन ही जाते हैं। इसमें मैं हल्का सा पहले ऑयल लगा देती हूँ, उसके बाद में पराठे डाल दूँगी इस पर। प्याज के पराठे से का ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि अगर सुबह सुबह आपके पास टाइम ना हो, आप सब्ज़ी नहीं बना पा रहे हो, तो अगर आप सिर्फ प्याज के पराठा ही बना लोगे तो अचार से, चाय से या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो। मेरे यहाँ ज़्यादातर लोग चाय के साथ ही पसंद करते हैं। प्याज का पराठा हो और चाय हो तो क्या बात है, फिर नाश्ते में तो कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो तैयार है मेरा प्याज का पराठा, आप इसे दही के साथ एंजॉय करो, या चटनी के साथ करो, या चाय के साथ करो, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हो, किसी भी तरह से खाओ, बहुत टेस्टी लगता है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।